और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुपर ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की जान लीजिए। फैसला लिया है बच्चों के हितों को देखते हुए पीएम ने ये फैसला लिया है। आज जो हाई लेवल मीटिंग होनी थी और इस मीटिंग के बाद नमस्कार दोस्तों, तो जैसा कि हम आपको बता दें, चाहे आप 10वीं के छात्र छात्राएं हो या फिर 12वीं के, इनके रिजल्ट को लेकर बहुत ही बड़ी घोषणा निकलकर सामने आ रही है कि होली से पहले 10वीं और 12वीं के जो छात्र छात्राएं हैं उनका इंतजार खत्म होने वाला है। ठीक है, पीएम ने हाई लेवल मीटिंग के बाद इसकी घोषणा की है। ठीक है, बोर्ड के जो अधीक्षक है दिव्यकांत शुक्ला जी, इन्होंने क्या की है, इस रिजल्ट को लेकर एक अहम बैठक की है। ठीक है, अब आपके पास समय बहुत ही कम है, रिजल्ट आपका जल्द ही आपके हाथ पे होने वाला है। ठीक है, होली से पहले आपका रिजल्ट आएगा, क्योंकि इस बार क्या है, इस बार चुनाव होने हैं, इसीलिए क्या किया गया है, परीक्षाएं भी जल्दी की गई हैं और आपका रिजल्ट भी जल्दी ही आएगा। अब आप चाहे 10वीं के छात्र छात्राएं हो या फिर 12वीं के, इन छात्र छात्राओं का इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि जो आपका रिजल्ट है मात्र 15 दिनों में घोषित हो जाएगा। रिजल्ट की डेट की भी घोषणा पीएम ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से कर दी है। तो क्या कुछ डेट निकल के सामने आई है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, हम आपको डेट बताते चलेंगे। तो सबसे पहले बता दें कि किन परीक्षार्थियों को कैसा लिखने पर नंबर दिए जा रहे हैं, उनकी जो बोर्ड की कॉपी की चेकिंग है वो किस प्रकार हुई है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, जिन बच्चों ने पूरे क्वेश्चंस के आंसर दिए, सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए साफ सुथरा ढंग से बिना काट पीट किए हुए किया है, उनको बोनस अंक भी मिले हैं। ठीक है, उन छात्र छात्राओं को बोनस अंक भी मिले हैं। पीएम ने अपनी हाई लेवल मीटिंग के से ये घोषणा की है कि इस बार किसी भी छात्र छात्रा को फेल नहीं किया जाएगा, चाहे आप जितना भी गंदा लिखे हो, अगर आपने सारा क्वेश्चन लिखा है बिना काट पीट किए हुए तो आपको नंबर दिए जाएंगे और आप टॉपर बन पाएंगे। ठीक है, इस बार पीएम ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से इसकी घोषणा की है कि ज्यादातर छात्र छात्राओं को टॉपर बनाया जाएगा, क्योंकि क्या हुआ है, आपके कुछ पेपर लीक हो गए हैं और जैसा फिजिक्स का पेपर है, फिजिक्स का पेपर बहुत ही हार्ड आया था, इसी को देखते हुए पीएम ने इसकी घोषणा की है कि बच्चों के अंक कम काटे जाएंगे। ठीक है, इस बार फेल तो किसी को भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट को लेकर छात्र छात्राओं को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, डिप्रेशन में नहीं जाना, क्योंकि जो भी पेपर लीक हुए हैं उन पर बोनस अंक हर छात्र छात्रा को मिलेगा, चाहे आप 10वीं के छात्र हो चाहे फिर 12वीं के, जो भी पेपर आपके लीक हुए हैं, हार्ड आए हैं, ठीक है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट पे आए हैं, आपको बोनस अंक उसके मिलेंगे, क्योंकि क्या हुआ है, ज्यादातर छात्र छात्राएं बहुत ही परेशान है कि उनके नंबर कट ना जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। रिजल्ट आपका होली से पहले घोषित हो जाएगा।